दोस्तों स्वागत है। यदि आपने SECL में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जो क्या क्या है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और जो डॉक्यूमेंट के लिए आपको फॉर्मेट चाहिए, यानी कि हो गया ऑनलाइन प्रोसेस, एफिडेविट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या और भी कोई, तो इस तरह के फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस लिंक में जाना होगा, जो कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ पे जाने के बाद आप जब इस लिंक पे जाएंगे तो आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। वेब पेज ओपन होने के बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है कि आपने अप्रेंटिसशिप किस कोर्स से अप्लाई किया है, यानी कि आपने ITI करके अप्लाई किया है ITI वालों के लिए या माइनिंग के लिए। तो आप जब नीचे जाएंगे तो कहीं पे लिखा होगा नोटिफिकेशन फॉर इनविटेशन एप्लीकेशन ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनके लिए है। एफिडेविट का फॉर्मेट आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे एफिडेविट में तो PDF कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, जहाँ पे कुछ हेडिंग में लिखा रहेगा माइनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन SECL, ठीक है। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी माइनिंग के अंदर ही है, तो भी माइनिंग के लिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा माइंस रूल्स, नीचे देख लेते हैं कहीं तो लिखा ही होगा माइनिंग, पता नहीं, बहुत लंबा टाइप है। तो माइनिंग वालों के लिए इस सेक्शन में देखना होगा, और ITI वालों के लिए आपको नीचे चलना होगा, और नीचे ITI वालों के लिए यहाँ पे लिखा होगा ट्रेड अप्रेंटिसशिप इंगेजमेंट नोटिफिकेशन इनविटेशन एप्लीकेशन, ठीक है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन तो आप पढ़ चुके होंगे कि कितनी सीट, क्या क्या, कैसे कैसे, ये सब लिखा हुआ रहता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दो अलग अलग बनाए गए हैं लिंक अलग अलग दिए गए हैं। पहला मेडिकल सर्टिफिकेट फिटर इलेक्ट्रीशियन या की फॉर्म ओ और फॉर्म P1 से मिलता जुलता हो, जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनके लिए डाउनलोड करना होगा इस लिंक पे क्लिक करके। और यदि आप कोपा से स्टेनोग्राफर या सेक्ट्रियल असिस्टेंस या ड्रगमैन से आपने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। और एफिडेविट के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। और सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन, यानी कि जब आप वेरीफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ जानकारी भरने के लिए फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या वहाँ नहीं मिल रहा आप एडवांस में ले जाके इसको भर के रख सकते हैं, ताकि आपको वेरीफिकेशन में ये सब करना ना पड़े। तो इस तरह से आप किसी भी सब जो भी रिक्वायर्ड होंगे, मतलब कि जो भी मांगने जाने वाले सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको आसानी से नहीं मिलता, तो आप इस वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक मैं कुछ सही ढंग से समझा पाया या नहीं, पता नहीं। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।